वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टबन जनरेशन। सबसे पहले आप सभी को कंग्रेचुलेशन। अब आपको बताते हैं हम कंग्रेचुलेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भी हमारा परिवार 1150 का कंप्लीट हो चुका है और उससे आगे भी बढ़ रहा है आपके प्यार से, आपके सहयोग से, और हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका है। आप पूरी वीडियो हमारी देखते हैं इसलिए दिल से आपका धन्यवाद। आज हम जा रहे हैं हरियाणा सिटी में, वहाँ मनी भाई की एडमिशन करवाएंगे वहाँ पर खेती बाड़ी डिपार्टमेंट में, और आपको लुधियाना का खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट दिखाएंगे उसका। उसके बाद हम जाएंगे महाराजा रणजीत सिंह वॉर म्यूजियम में, उसके भी दर्शन करवाएंगे। चलिए चलते हैं। मेरे घर काम चल रहा है और आज के दिन की शुरुआत हुई हमारी कुछ इस प्रकार कि गेट न्यू लगा हुआ है और मेरे को दीवार फांद कर जाना पड़ेगा। घर से निकलकर हम पहुंचे लुधियाना। लुधियाना में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहुंचकर बनी के सारे ही डॉक्यूमेंट लगाए और फॉर्म फिल करके हमने सबमिट करवा दिए। ये करते करते हमें बहुत भूख लगी तो हम पहुंचे वैष्णो सोई, जहां पर हमने आलू वाले परोंठे खाए और उसे बचाने के लिए चाय पी। उसके बाद तो अब हम महाराजा रणजीत सिंह वॉर मेमोरियल में पहुंच चुके हैं। छोटे बच्चों की टिकट है 10 रुपए, 5 से 10 साल वाले, और एडल्ट की टिकट है 40 रुपए। एंट्रेंस में ही ये जहाज के पंखे हैं जो बहुत अच्छे लग रहे हैं। टिकट यहाँ से मिल रही है। महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा जो कि बहुत ही गौरवशाली है। 13 नवंबर 1780 को इनका जन्म हुआ था, जिन्होंने पूरे समूह पंजाब को इकट्ठा करकर एक शक्तिशाली सेना बनाई थी, और उसके साथ ही विदेशी आक्रांताओं को यहाँ से खदेड़ा था। और छोटे होते ही इनको चेचक का रोग हो गया था जिसके कारण इनकी एक आंख खराब हो गई थी, और फिर भी इन्होंने बहुत ही गौरवशाली इनका इतिहास है जो यहाँ पर भी दिखाया गया है। वॉर में यूज हुए सभी हथियार भी हम आपको आज दिखाएंगे, जैसे कि ये हमारे पीछे ऐतिहासिक टैंक रखा गया है। ये म्यूजियम सन 1999 को बना था। आइए आप जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आपकी टिकट चेक होगी। तो आप एंट्रेंस में आओगे तो आपको ये सभी जवान यहाँ पर मिलेंगे, इसको छोड़कर ये अभी छोटा है। कैप्टन करम सिंह, कैप्टन गुरुबचन सिंह, जोगिंदर सिंह, निर्मलजीत सिंह, इनका नाम मेरे से भी नहीं लिया जाता। यह है महाराजा रणजीत सिंह जी की हमारे खास की एक झलक महाराजा रणजीत सिंह के साथ। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया था, यह है इनके बारे में मैं बहुत पढ़ा हूँ। मार्शल ऑफ द एयर अर्जन सिंह, एडमिरल एस एम नंदा, जनरल बी एन शर्मा, जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया था, ये जनरल रह चुके हैं उस वॉर में। चीफ मार्शल दिलबाग सिंह। और आपको पुरानी अखबार भी मिल जाएगी, देखिए आप अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आ सकते हो, उनको ये सारी हिस्ट्री वगैरह पढ़ा सकते हो। विजुअल दिखाओगे तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, और अपने देश का इतिहास सभी को पता होना चाहिए जिससे वो गौरवान्वित हो। तो हम आपको वो कॉर्नर दिखाने वाले हैं जहाँ पर जवान जितने भी हमारे देश के देखकर ज़्यादा उत्साहित होते हैं, उस सेक्शन में अब आपको लेकर चलते हैं। इस जमाने में जो वॉर में यूज हुआ करती थी इतनी इतनी बड़ी राइफल है, ये मोर ये गोरखा रेजिमेंट इसे कुकरी भी कहते हैं, और ये देखिए कितने तरीके से इसे डेकोरेशन किया हुआ है जो कि बहुत बड़ा। हम आपको वो बंदूक भी दिखाएंगे जो हमने बचपन से सुना है कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, वो वाली बंदूक ये वो राइफल है जो दूसरों के कंधों पर रखकर चलाई जाती है क्योंकि ये बहुत बड़ी है। क्योंकि ये बहुत बड़ी है, अब आप सभी को बता सकते हो हमने वो राइफल भी देखी हुई है। ये सबसे सुंदर रामायण का चित्रण किया गया है, ये रावण को दर्शाया गया है, ये श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को दर्शाया गया है, ये उनके वानर सेना है, हनुमान जी, बाली जी, सभी को इसे बहुत ही अच्छा तरीके से दिखाया गया, विजुअल दिखाया गया है। ये जो मुगल के सिपाही थे, ये हमारे सिपाही थे, ये अच्छे से उनकी ड्रेसअप सारा दिखाया गया है। ये जो वहाँ से विदेशी आए थे, ये उनकी
साथी और ये हमारी सब कुछ साथी ये मिनी स्कर्ट में आया करते थे, हम थोड़ी सर्दी में हुआ करते हमें नीचे आ गए। ये रियासत पेंटिंग बहुत ही सुंदर बनाई गई है और इनको बहुत ही मेंटेनेंस से रखा गया है। इनका बहुत खर्चा होता है मेंटेनेंस का भी, जो सरकार चलाती है। इसके एंट्री फीस इसी मेंटेनेंस का ही एक भाग है। ये देखिए पुरानी सारी प्रतिमा है, ये सभी हथियारों के नाम वगैरह बताए गए हैं। ये ऊपर सारे दिखाइए भाई, मनी भाई दिखा रहे हैं भाई। ये थोड़ा सा बोर्ड का आपको दिखाया गया है, पानीपत में जो लड़ाई हुई थी ये उसका थोड़ा सा दृश्य बनाया हुआ है। ये मुगल सेना आई थी और ये हमारे वीर जवान। ये जो बंदूक है इसकी नोजल बहुत बड़ी है, इसे कैमल गन भी कहा जाता है। ये पानीपत की लड़ाई का ही थोड़ा दृश्य है, जो हाथी जैसे अव्वल रैंक के बंदे ये ऐसे आया करते थे। ये भी एक कैमल गन का ही नमूना है, जो कि बहुत ही विशाल कैमल गन को दर्शाया गया है इस मॉडल में। ये ऊपर वाला रियल है, नीचे वाला थोड़ा सा ऐसे ही, ये भी रियल है। ये बंदा सिंह बहादुर जी, जिसके बारे में इतना ही नाम कम ही पड़ेगा, उनके किस्से हमने बचपन से ही आज तक सुने हैं और इनको ही देखकर हम बड़े हो गए। जब लड़ाइयाँ होती थी तो ये हमारे इंडियन की पोशाक हुआ करती थी वॉर में। शाबाश मेरे शेर, बंदूकें, बम, हथियार। अब आपको छोटी सी झलक हम हीरो गैलरी की देते हैं, जिसमें हमारे वीर हीरो जो कि रियल लाइफ में हीरो है, टीवी पर आप लोग हीरो बहुत देखते हैं, वो नकली हीरो है, ये है असली हीरो जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी। कोई सीख लेनी है तो हमें इनसे लेनी चाहिए। ये कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, शूरवीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र अति सारे ही यहाँ पर उपस्थित हैं और विजुअल में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है कौन कौन से चक्र किन किन को मिले हैं। अब हम आपको यहाँ पर वीर जवानों की पोशाक दिखाते हैं, जो कि हमारे इंडियन आर्मी पहना करते हैं। कॉम्बैक ड्रेस है ये, ऑफिसर ड्रेस है ये सेरेमनी ड्रेस है, ये सेरेमनी ड्रेस आर्मी के लिए हुआ करती थी। ये विंटर ड्रेस है एयरफोर्स की, ये समर ड्रेस, सारी ड्रेसेस यहाँ पर दी गई हैं। ए बी के बैचेस हैं, ये नेवी के सर्विस मेडल्स हैं, ये रैंक के हिसाब से पहनाए जाते हैं एयरफोर्स वालों के, आर्मी रैंक ड्रेस है। अलग अलग शहरों के नाम दिए गए हैं, सभी जगह के यहाँ पर नाम लिख दिए गए हैं, पर जब आप आते हो और आपके शहर का कोई आपको मिलता है नाम कहते हो यहाँ पर, तो आपको बहुत ही गौरव महसूस होता है। इस तरह में आपने बहुत ही जहाज देखे होंगे, पर ये हमारे इंडियन नेवी के जहाज पनडुब्बी। हेलो 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 हेलो, इससे वॉर में अपने जवानों के साथ संपर्क में आते थे। ये सभी रेडियो यहाँ पर आपको देखने को विजुअली मिल जाते हैं। आप सभी ने अपनी लाइफ में ये बात तो सुनी होगी कि दीवारों के कान होते हैं, पर दीवारें बोलती हैं, ये म्यूजियम अच्छी तरह बयान करता है। कितना खूबसूरत दृश्य ऊपर से हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर ग्रिल्स लगाई हुई है क्योंकि स्कूल के बच्चे वगैरह यहाँ पर जब आते हैं तो नीचे गिर ना जाए, उनके सिक्योरिटी के लिए ही ये चीजें की गई।
ये कितने हैं इस खूबसूरत तरीके से सारी फोटोज लगाई हुई हैं। ये बंगाल एक्सप्रेस इन एक्शन 1839 को हुआ था, उसकी फ़ोटो लगाई हुई है, चित्र बनाया हुआ है। ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनको जहर देकर मार दिया गया था और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी अच्छे से नहीं हुई। ये जब हमने पाकिस्तान की आर्मी को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था, और ये वो पल, ऐतिहासिक पल, और हमने कई पाकिस्तान के इलाके कैप्चर कर लिए थे और दे आकर उनको दान भी कर दिए। हमारे गौरवशाली सिपाही कर्नल उच्च अधिकारी, जिन्होंने हमें हमेशा ही गौरव महसूस करने का ये सौभाग्य प्रदान किया। ये उनकी कुछ तस्वीरें। कारगिल जंग आपने कई बार मूवी में भी देखी होगी और उसकी झलक अब हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, को कारगिल के म्यूजियम में लेकर चलते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये सारे आपको हिस्ट्री के लेसन में आते हैं, हिस्ट्री के चैप्टर में आते हैं, जो कि आपको यहाँ पर विजुअली दिखाई देते हैं और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, तो आपके दिमाग में ये छप जाते हैं। ये जवानों के कुछ उस समय की फ़ोटो है। ये वॉर में यूज़ किया हुआ असला यहाँ पर रखा भी गया है। ये मॉडल बनाए गए हैं कि आपको थोड़ा विजुअली समझ में आ जाए। इस वर्दी का भी अपना ही इतिहास है, जो कि इस मॉडल के जरिए हमें दर्शाने की कोशिश की गई है। इंच में दिख रहा है कि कुछ जवानों के पास ही ये वर्दी उपलब्ध है, क्योंकि ये वर्दी कुछ ही चुनिंदा कंपनियां बनाया करती थी। तो हमने जब इस वर्दी का ऑर्डर दिया तो उन्होंने कहा आपको ये वर्दी तय समय पर नहीं मिल सकती, क्योंकि इसका ऑर्डर हमें पहले ही आ चुका है पाकिस्तान के ज़रिए। तो हमें इससे अंदाज़ा हो गया कि कुछ साजिश की गंद आ रही है। ये कुछ ओरिजिनल गन्स हैं जो उस जंग में यूज़ हुई थी। ये उस वॉर की कई तस्वीरें हैं जो कि अपनी अपनी कहानी बयान कर रही हैं। तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने जोश से इस जंग में सभी जवानों ने पार्टिसिपेट किया था और विजय प्राप्त की थी। ये सारा ही म्यूज़ियम आपको फ़ख्र करने पर मजबूर कर देगा कि आप भारतीय हो। ये कुकरी है जो गोरखा रेजिमेंट, इसे अपना चिन्ह बताती है। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिसकी आपने मूवी भी देखी है। ऐसे कई जवान हैं जो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इसे छोड़कर जो वॉर में यूज़ हुए ये थे वो जहाज़, ये मैकेनिक बुलाए हुए ठीक करने के लिए। भाई 12 नंबर चाबी लब्बी, सस्पेंशन करने वाला, ठीक है जी। ओहो हो, ठीक है, खोलिया भाई, ठीक है। ओ स्प्रिंग लग गई तुम, ठीक है जी। कैसा लगा आपको हमारा ये आज का व्लॉग, हमें जरूर बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, इससे हमें और भी आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है।